हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम फिर से आ गए आपको पढ़ाने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में, आज हम पढ़ेंगे तोसा मारू प्रकरण के बारे में, आज हम जानेंगे कि सिल्क पेपर षड्यंत्र मामला क्या था, ठीक है। इसके ऊपर भी हम थोड़ा विचार करेंगे। तो इत्मीनान से बैठ जाइए और आराम से हिस्ट्री को देखते चलिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आजकल की क्लास काफी अच्छी लग रही होगी और जो हिस्ट्री का आपका शेड्यूल बन गया है उसको आप अच्छे से देखिए। हां देखिए, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था सर प्लेलिस्ट को सेट कर दीजिए। मैंने प्लेलिस्ट को सेट कर दिया हूं दोस्तों। आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आइए, जो सबसे आखिरी का वीडियो है वो हिस्ट्री का पहला वीडियो है। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर सबसे नीचे है और जो नया नया आता जाता है वो ऊपर ऐड होता जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके देख लीजिए, जाके आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ सीरियल से ही लगा हुआ है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी से, देखिए आप सभी हमारे बहुत चहेते हैं, ठीक है, और बहुत प्यार करता हूं आप सबको, आप सब भी बहुत प्यार देते रहते हैं हमको। एक छोटा सा काम हमारा करिए दोस्तों, किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है ना उसको स्किप मत किया करिए। ऊपर एक ऑप्शन देता है आपको विजिट एडवर्टाइजमेंट का, वहां चले जाया करिए, वहां एक क्लिक कर दिया करिए। देखिए सीधा सीधा बोलना, उससे थोड़ा सा पैसे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेरे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर बड़े मोटे हो गए हो, क्या करें भाई, मोटे हो गए तभी क्या करें, शादी हो गई तो आदमी मोटा ही हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, और टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग और इत्मीनान से सुनिएगा कि आज की टॉपिक क्या है। तो कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है। कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में से आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं तोसा मारू प्रकरण क्या था तो आप में से कुछ ही लोग सुने होंगे इसके बारे में, बाकी लोग नहीं सुनेंगे। और अगर मैं तीसरा पॉइंट बोल दूंगा कि सिल्क पेपर मामला के बारे में कितने लोग जानते हैं तो थोड़े और कम लोग हो जाएंगे, ठीक है। आज आपका एक कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले इसका विवरण कहां पे मिलता है दोस्तों, तो इसका विवरण हमें दो जगह से मिलता है। कहां से मिलता है, दो जगह से। एक तो एक किताब है, ठीक है, उस किताब से इसका विवरण मिलता है। दूसरा एक कमेटी बनी थी दोस्तों, सेडिशन कमेटी। कौन सी कमेटी, सेडिशन कमेटी। याद रखिए कामागाटा मारू के बारे में सबसे पहला विवरण कहां से मिलता है, तो सेडिशन कमेटी से मिलता है, ठीक है। सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट में किसके बारे में बताया गया था, इस कामागाटा मारू के बारे में बताया गया था, ठीक है, सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट से। दूसरी बात और कहां से पता चलता है, एक बुक है दोस्तों उससे पता चलता है, ठीक है, और उस बुक को लिखा है जेम्स कैंपबेल। किसने लिखा है, जेम्स कैंपबेल। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इनकी बुक जो है दोस्तों, इससे भी आपके कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में पता चलता है कि ये क्या था। अच्छा, इनकी किताब की नाम क्या था, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछे तो बताएगा भारत में राजनीतिक व्याधि। इस किताब का नाम क्या था, भारत में राजनीतिक व्याधि, ठीक है, भारत में राजनीतिक व्याधि, ठीक है, राजनीतिक व्याधि। चलिए, ये इनकी किताब का नाम था जिसमें सबसे पहले कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में पता चलता है। बहुत सुन लिया सर कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, अब जल्दी से बता दीजिए क्या था। बता रहा हूं दोस्तों, इत्मीनान से सुनिएगा। यह मामला जुड़ा हुआ है कनाडा की सरकार से, ठीक है। कनाडा देश का नाम आपने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एकदम ऊपर पड़ेगा कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है, तो वहां की बात कर रहा हूं। कनाडा से इसका प्रकरण जुड़ा हुआ है। 1913-14 का मामला था, कब का, 1913-14। सर इस समय तो प्रथम विश्वयुद्ध स्टार्ट हो रहा था, हाँ वही समय था दोस्तों। 1913-14 में जो भारतीय थे, कनाडा में रहने वाले जो भारतीय थे, उनको लेकर के कनाडा सरकार के द्वारा एक मामला आया था सामने, ठीक है। उस मामले में यह आया कि जो भी भारतीय लोग कनाडा में आना चाहते हैं वो तभी आ सकते हैं जब वो भारत से डायरेक्ट कनाडा आए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यह मामला था अप्रवासी भारतीयों के लिए, किसके लिए, अप्रवासी भारतीयों के लिए मामला था। और इसमें यह बताया गया कि जो भी भारतीय लोग हैं जो कनाडा आना चाहते हैं वो तभी कनाडा आ सकते हैं जब उनकी जहाज भारत से चल करके सीधा कहां पर आ जाए, कनाडा में आ जाए। और एक चीज और बता दूं, ये जो दौर चल रहा था दोस्तों 1913-14 का, जो समय चल रहा था, इस समय तक कोई ऐसा रास्ता नहीं खोजा गया था कि भारत से कोई भी जहाज डायरेक्ट कहां पहुंच जाए, कनाडा पहुंच जाए। देखो स्थल मार्ग तो है नहीं क्योंकि एक अलग महाद्वीप है भाई, हमारा भारत एशिया महाद्वीप पे है और वो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है, तो दोनों में बड़ा दूरी है, तो सड़क मार्ग तो था नहीं, ठीक है, हवाई जहाज भी नहीं थे, बचा आपका जल मार्ग। और जल मार्ग भी कोई ऐसा नहीं था कि जो डायरेक्ट हमें कनाडा लेकर के चला जाए, हमको कहीं ना कहीं रुकना जरूर पड़ता। या तो हम अफ्रीका को घूमते हुए चले जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा दूर पड़ता, ठीक है, और अगर हम इधर से चले जाते हैं आपके किधर से, ऑस्ट्रेलिया साइड होते हुए या फिर सिंगापुर साइड होते हुए निकल जाते हैं, जापान साइड होके, तो भी हम पहुंच सकते थे। लेकिन
लेकिन ये कहो कि डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कनाडा, तो ये असंभव था। और वहां की सरकार ने सीधा सीधा प्रस्ताव क्या रखा कि एक ऐसा अप्रवासी कानून बनाया जिसमें कहा कि वही व्यक्ति भारत से कनाडा आ सकता है जो डायरेक्ट भारत से कनाडा आए, बीच में उसकी जहाज कहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। यानी सीधे सीधे मना करने की कोशिश किया जा रहा था, ये एक मामला था इस मामले। अच्छा, यानी कुल मिला जुलाकर कनाडा की सरकार ने अप्रवासी कानून, ठीक है, बहुत मजबूत कानून बनाया था जिसके माध्यम से ये चीज लाया था। लेकिन जो कनाडा गवर्नमेंट थी, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी, याद रखिए वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, एक बयान में एक निर्णय दिया कि 35 ऐसे भारतीय लोगों की आने की छूट दे दी गई जिसमें वो डायरेक्ट भारत से कनाडा नहीं आए थे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, 35 ऐसे लोगों को कनाडा आने की छूट दे दी गई, ठीक है। और इसी बात से दुनिया में हलचल मच गया। दुनिया में हलचल कैसे मचा, क्योंकि और बहुत सारे लोग जो कनाडा जाना चाहते थे, जैसे आपको बता दूं सिंगापुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार गुरुदत्त सिंह, ठीक है, कभी कभी उनको सरदार गुरुदीप सिंह भी कहा जाता है। क्या नाम था? सरदार गुरुदीप सिंह, ठीक है। वो उनके साथ कुछ लोग थे जो कनाडा आना चाहते थे रोजगार के लिए, ये बात याद रखिए, रोजगार के लिए, साथ ही साथ एक संगठन बनाने के लिए जिससे एक मजबूत संगठन हम लोग बना सके और भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर सके, ठीक है। तो इसके परिपेक्ष में गुरुदीप सिंह के साथ कुछ लोग कहां जाना चाहते थे? कनाडा जाना चाहते थे, ठीक है। तो गुरुदीप सिंह ने क्या किया, यहां पर एक जहाज लिया। देखिए शुरुआत में तो वो कनाडा जा नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि कनाडा की सरकार ने इतना मजबूत कानून जो बना दिया था, उसने कहा कि भारत से डायरेक्ट कोई जहाज आएगी तभी माने देंगे, नहीं तो माने ही नहीं देंगे। तो वो बैठे थे बेचारे सिंगापुर में, अब सिंगापुर से कनाडा जा नहीं सकते थे, क्यों? ये कानून लागू हो चुका था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डायरेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट कुछ लोग भी आ गए, वैसे इनके चेहरे पर हंसी आ गई और इनका मानना था कि अब हम लोग भी चलते हैं। इन्होंने क्या किया, जापान से एक जहाज किराए पर लिया, उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। किसने लिया था? सरदार गुरुदत्त सिंह ने, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सरदार गुरुदत्त सिंह ने, सरदार, ठीक है, गुरुदत्त सिंह, कभी कभी गुरुदत्त कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा गुरुदीप सिंह, दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जापान से एक जहाज क्या लिया, किराए पर लिया, यानी रेंट पर लिया, ठीक है, एक जहाज किराए पर लिया जिसका नाम क्या था, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू, यानी कुल मिला जुला के ये जहाज का नाम है, ठीक है, कामागाटा मारू जहाज को ले लिया। जो लोग भी कनाडा आना चाहते थे उनको यहां पर यात्री के रूप में जहाज पर बिठा दिया गया, ठीक है। अभी क्या हुआ यहां पर दोस्तों, यहां पर कुल जुट गए 376 यात्री, कितने यात्री जुट गए, 376 यात्री। ये जहाज सिंगापुर से निकल के चल पड़ी कहां के लिए, आपके कनाडा के लिए चल पड़ी। जब ये जहाज कनाडा के लिए आई, ठीक है, तो जब ये कनाडा के जस्ट बॉर्डर पे बंदरगाह पर पहुंची ही थी कि तब तक कनाडा की पुलिस ने घेर लिया। भाई क्यों घेर लिया, यहां तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था। जी हां, डिसीजन तो आ गया था, ठीक है, लेकिन कनाडियन सरकार ने दोबारा एक नया अधिनियम पारित कर दिया और उसके अनुसार जो पहला वाला बनाया गया था नियम उसको फिर से पास कर दिया गया और ये कानून के रूप में सामने आ गया। तो ये जो 376 यात्री जो कनाडा गए थे इनका प्रवेश रद्द कर दिया गया। इस 376 यात्रियों में सबसे ज्यादा लोग दक्षिण पूर्वी एशिया से रहने वाले लोग थे। कहां के लोग थे, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एरिया एशिया से, दक्षिण पूर्वी, ठीक है, एशिया से ज्यादा लोग थे इसमें, ठीक है, 376 लोगों में। अब एक चीज और बता दूं, अब इस जहाज को क्या कर लिया गया, घेर लिया गया। कहां पर घेरा गया दोस्तों, कनाडा में घेरा गया। कनाडा में कहां पर घेरा गया, तो कनाडा में जहाज पहुंची थी वैंकूवर में। कहां पहुंची थी, वैंकूवर में, ठीक है, तो वैंकूवर में पहुंची थी। अभी हाल ही में सुना होगा कि वैंकूवर में भारत सरकार की तरफ से एक संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया था कनाडा के वैंकूवर में, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वही वैंकूवर स्थान है जहां पर ये कामागाटा मारू वाली जहाज पहुंची थी जापान से आई हुई, ठीक है। तो ये वैंकूवर पहुंच गई, वहां के पुलिस ने, वहां का जो प्रशासन था, ठीक है, उन लोगों ने इस जहाज को उतरने नहीं दिया, मतलब इस जहाज से जो यात्री थे इनको कनाडा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये बाकी के यात्री जाएंगे कहां, अगर कनाडा के लिए जहाज निकली है तो अब ये कनाडा नहीं उतरेंगे तो कहां जाएंगे, तो ऐसे में एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे भारतीय लोग थे जो कनाडा में पहले से रहते थे, ऐसा तो है नहीं कि कनाडा में हमारे भारतीय लोग नहीं थे। तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा आंदोलन शुरू कर दिया वहां पर, ठीक है, जिसमें उन्होंने कनेडियन सरकार के खिलाफ कई सारी आलोचनाएं किया। इसके अलावा दोस्तों एक कमेटी भी बनाई गई वहां पर, ठीक है, जो कि भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था सोर कमेटी। क्या नाम दिया गया, सोर कमेटी, कभी कभी इसको तटी कमेटी का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, सोर कमेटी या
तटीय कमेटी, एकदम इत्मीनान से कहानी सुनिए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बड़ा सिंपल कहानी है। तो सोर कमेटी बना दी गई। भाई सोर कमेटी में कौन लोग थे? केवल वही लोग थे दोस्तों सोर कमेटी में जो पहले से कनाडा में रहने वाले भारतीय थे, ठीक है। वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं जो हमारे स्वदेश से लोग आ रहे हैं, जो हमारे देश के लोग आ रहे हैं, उनकी हम मदद कर सकें, कनेडियन सरकार यहां से हट जाए, इस यात्री जहाज को कनाडा में आने दे, ठीक है। वो यही चाहते थे और इसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया। अच्छा, आंदोलन के अलावा जो कमेटी बनी थी सोर कमेटी, इसमें दो चार लोगों का नाम तो रहा होगा भाई, एक दो लोग रहेंगे ना कमेटी में। तो सबसे मेन मेन कौन लोग हैं? तो इसमें सबसे मेन व्यक्ति का नाम है बलवंत सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, बलवंत सिंह, ठीक है, इसमें ही रहते थे। एक हुसैन साहब थे, ठीक है, हुसैन साहब, बलवंत सिंह, पूरा नाम लिखने की जरूरत है क्या? हम तो शॉर्टकट ही लिखते हैं यार, ठीक है, इससे क्या होता है कि याद हो जाता है ना। तो बलवंत सिंह, हुसैन सिंह और एक आपके लाला जी, ठीक है, तीन चार लोग थे यहाँ पर, ये सारे लोग थे, ठीक है, इन सारे लोग का नाम याद रखेगा, बलवंत सिंह, हुसैन जी, एक लाला जी थे और एक आपके सोहन सिंह थे, ठीक है, सोहन सिंह भागना मत करिएगा, ठीक है, ये सोहन सिंह या सोहन लाल करके थे, तो इसको नाम याद, यहाँ बलवंत सिंह और हुसैन का नाम जो है इंपॉर्टेंट है, हुसैन रहीम पूरा नाम था, ठीक है, रहीम हुसैन या हुसैन रहीम याद रखेगा, ठीक है। तो ये दो तीन लोग थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो इस सोर कमेटी या तटी कमेटी को बनाए हुए थे। चाहते क्या थे कि कैनेडियन पुलिस जो है वो वहां से हट जाए और जो कामागाटा मारू जहाज आई है उनको प्रवेश का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ दोस्तों, 1913-14 चल ही रहा था और स्टार्ट हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार रहती, क्योंकि उसका एक उपनिवेश के तौर पर अमेरिका भी रहता है, ऐसा नहीं कि अमेरिका एकदम आजाद है, अमेरिका जैसे भारत गुलाम है वैसे अमेरिका भी गुलाम रहता है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपना पूरा नियंत्रण लगा दिया किसके ऊपर, इस कैनेडियन सरकार के ऊपर, ठीक है, और दबाव बना करके ये जो जहाज थी इसको भारत वापस भेजने का आदेश दिया गया। कामागाटा मारू जहाज जो आई थी कहां पर, कनाडा के लिए आई थी, उसको भारत के लिए रवाना कर दिया गया। कहां पर? भारत में कलकत्ता के लिए रवाना कर दिया गया। अब ये जहाज यहां से चलती है और कलकत्ता जाती है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता जाने से पहले आपको दो तीन डेट यहां पर याद रखना होगा, तो डेट याद रखिएगा, ये जहाज कनाडा कब पहुंची थी? तो ये जहाज कनाडा पहुंची थी 23 मई 1914 को। कब पहुंची थी? बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं से कहानी बनेगी ना। अभी देखिए 23 मई 1914 में की बात है, ठीक है, और ये जहाज कनाडा पहुंची थी। अब क्या हुआ, अब इस जहाज को कलकत्ता भेजा जा रहा है, ठीक है, कलकत्ता में किस जगह पर भेजा जा रहा है, तो बजबज, कहां पर? बजबज, ठीक है, एक जगह का नाम है, ठीक है, कलकत्ता में वहां पर भेजा जा रहा है ये जहाज। सितंबर 1914 में मई से चली ये जहाज, पूरा जून जुलाई अगस्त चलती रही, ठीक है, सितंबर 1914 में ये जहाज पहुंच गई कहां पर, कलकत्ता के बजबज में पहुंच गई, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ, कलकत्ता पर में पहुंचने के बाद जो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने संदेह किया कि इस जहाज पर भारतीय क्रांतिकारी वाले लोग हैं, भारतीय क्रांतिकारी लोग हैं और इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। एक चीज और बता दूं दोस्तों, इससे पहले का एक प्रकरण आपको बताऊं, कामागाटा मारू प्रकरण में, कामागाटा मारू पर आपके जो यहां पर गुरदित्त सिंह है या गुरदत्त सिंह है, ठीक है, तो ये एक महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे, बैकवर्ड, ठीक है, में जो जा रहे थे। इसके अलावा आपका बरकतुल्ला का नाम सुना होगा, बरकतुल्ला, भगवान सिंह, ठीक है, भगवान दास सिंह, ये दो तीन क्रांतिकारी थे जो इस जहाज पर रहने वाले लोगों को क्या सिखा रहे थे, क्रांति सिखा रहे थे कि किस तरह से हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां के पुलिस वालों को सूचना मिल जाती है कुछ पे क्रांतिकारी लोग हैं और उन्होंने क्या किया, इसको अरेस्ट, यहां पर जितने भी लोग थे इनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। अब क्या, अब जबरदस्ती अगर किसी को बिना बात का अरेस्ट किया जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति तो विद्रोह करेगा ना, उसी में क्या हो जाती है, पुलिस वालों से झड़प हो जाती, ठीक है। अब पुलिस वालों से लड़ाई के दौरान कहा जाता है कि 18 से 22 लोग जो है इस जहाज के मारे गए, 200 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, कुछ लोग वहां से भाग गए। उस भागने वालों में किसका नाम था, आपके गुरुदत्त सिंह या गुरुदीप सिंह का भी नाम था, वो पकड़े नहीं गए पुलिस के द्वारा, वो वहां से फरार हो गए। बाकी लोगों को गिरफ्तार करके पंजाब भेज दिया गया, ठीक है, पंजाब में जेल में ला करके इनको रख दिया गया, कैद कर लिया गया। तो ये पूरा मामला जो है दोस्तों, यही मामला था कामागाटा मारू का मामला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तोसा मारू प्रकरण क्या था, ठीक है, समझ में आ गया, कुल मिला जुला के बड़ा सिंपल स्टोरी है, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। एक सेडिशन कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट में इसकी चर्चा मिलती है, एक बुक था जिसको लिखा था जेम्स कैंपबेल ने, बुक का नाम था भारत में राजनीतिक व्याधि, इसमें कामागाटा मारू के बारे में बताया जाता है। कामागाटा मारू प्रकरण एक्चुअली में ये कैनेडियन सरकार के द्वारा लाया गया अप्रवासी कानून का ही एक रूप था, ठीक है, और उसी से प्रभावित था। इस कानून में क्या लिखा था कि कोई भी व्यक्ति भारत से डायरेक्ट कनाडा आएगा तभी उसको कनाडा की सीमा में आने दिया जाएगा, अन्यथा आने नहीं दिया जाएगा।
जाएगा। लेकिन कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के 35 लोगों को आने की मंजूरी दे दिया जो डायरेक्ट भारत से नहीं आए थे। उस बात से खुश होकर के यहाँ पर गुरुदत्त सिंह ने क्या किया, जापान से एक जहाज किराए पर लिया जिसका नाम था कामागाटा मारू। उस जहाज पर 376 लोगों को बैठा करके कनाडा की ओर रवाना हो गए, ठीक है। और उस पर जो है एक क्रांतिकारी भाषण भी दिया गया जिसमें शामिल थे बरकतुल्ला, भगवान दास सिंह और आपके गुरुदत्त सिंह, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, कुछ जहाज में बैठे हुए 376 लोगों को ओजपूर्ण भाषण देकर के उनको क्रांति करना सिखाया और उनको भारत को कैसे आजाद कराया जाए इसके बारे में उनको जानकारी दिया, ठीक है। कुल मिला जुला करके एक मजबूत संगठन जो बनाना चाहते थे ये उस जहाज पर ही बनाना शुरू कर दिए थे। ये जहाज जब पहुंचती कहां पर, आपके कनाडा के बैकवर में पहुंचती है 23 मई 1914 को। ये जहाज कनाडा के बैकवर में पहुंचती है, वहां पर कैनेडियन पुलिस के द्वारा इस जहाज को घेर लिया जाता है और एक भी व्यक्ति को नीचे उतरने से मना कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार का दबाव आने के बाद इस जहाज को कनाडा के बैकवर से सीधे कलकत्ता के बजबज के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहां पर आने के बाद अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजी पुलिसों ने क्या किया, अंग्रेजी अधिकारियों ने इस पर बैठे हुए सभी यात्रियों के गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, ठीक है। लेकिन जब बात गिरफ्तारी की पहुंची तो लोगों ने बिना गलती के गिरफ्तार होने से मना कर दिया। इसमें पुलिस के साथ एक झड़प भी होती है, उस झड़प में 18 से 22 लोग मारे जाते हैं, लगभग 202 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं जिनको पंजाब जेल में भेज दिया जाता है, बाकी कुछ लोग वहां से फरार भी हो जाते हैं। यह सारी कहानी रही, ठीक है। एक सांस में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक शोर कमेटी भी बनता है। शोर कमेटी जो है कनाडा में रहने वाले भारतीयों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें शामिल थे बलवंत सिंह, जिसमें शामिल थे सोहन लाल, जिसमें शामिल थे हुसैन रहीम, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों, तोसा मारू प्रकरण क्या है। तोसा मारू, कामागाटा मारू तो खत्म हो गया, चलते हैं तोसा मारू की तरफ। तोसा मारू को पढ़ लेते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में हिस्ट्री, कोई दिक्कत? बहुत कठिन तो लग नहीं रहा होगा। अरे क्या कठिन यार, सब आसान है, मेहनत करोगे तो सब आसान है। विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों आप लोग, मैं रात के 2-3 बजे तक मेहनत करता हूँ, केवल इसलिए कि सुबह 5 बजे जो वीडियो आपको देना है हमें, ठीक है, सुबह 5 बजे जो हमारा पहला वीडियो आता है तो वो आपकी दिन की शुरुआत करता है, और शुरुआत अगर अच्छी होगी तो दिन का अंत भी अच्छा होगा। तो शुरुआत हम करते हैं करंट अफेयर्स के मुद्दे से और अंत करते हैं भारतीय इतिहास पर, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा बना रहे। बीच में एक जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं दोस्तों। जो सुबह सुबह का करंट अफेयर है, इसमें हम लोगों ने अलग तरह से करंट अफेयर पढ़ाने का जिम्मा लिया हूँ मैं स्पेशली, ठीक है, वो मेरे द्वारा चीज बनाया जा रहा है। इसमें हमने क्या सोचा कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को हम लोग बार बार रीड करेंगे। 20 स्पेशल क्वेश्चन लेके आता हूं, आप विश्वास नहीं करोगे उस 20 प्रश्नों को छांटने में मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे का समय लगता है। डेली 2-2.5 घंटे समय देता हूं, ठीक है। अभी रात को ये सब काम करने के बाद, सारा वेबसाइट का मेंटेनेंस करने के बाद, एप्लीकेशन पे काम हो रहा है वो करने के बाद फिर इसको स्टार्ट किया जाता है। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग करके तब आराम करता हूं, उसके बाद फिर सुबह में आकर के टेस्ट सीरीज पे काम करना पड़ता है, क्योंकि दोपहर तक मैं आपको एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जिसमें 25 स्पेशल क्वेश्चन को कराया जाता है। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक, साइंस, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन की संख्या तो 25 होती है, लेकिन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना होती है आने की। तो जो लोग नहीं देख रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, नहीं देखेंगे तो नुकसान है आपका, विश्वास करिए। आप दूसरों की बहुत सारे चैनल है जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं या मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन आंसर कराते हैं। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड बन गया, पता है क्या, लगातार 6 घंटे की क्लास, लगातार 12 घंटे की क्लास, लगातार 1000 क्वेश्चन की क्लास। अरे उस 1000 क्वेश्चन का वैल्यू भी देखते हो, क्या वैल्यू होता है उसमें, किस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हमेशा स्मार्ट पढ़ाई करो, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से और बढ़िया क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपके भलाई के लिए करें भाई, हम भी चाहते तो आसान आसान क्वेश्चन करा सकते थे, लेकिन आप जब उसकी क्वालिटी को देखेंगे क्वेश्चन की ना, तो उसको छाटने में और उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 2-3 घंटा उस पर भी खर्च होते हैं। तो पूरे दिन के जान लीजिए कि 16-17 घंटे मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही काम करता रहता हूँ, ठीक है, सारा कुछ आपके लिए। बदले में आपसे क्या कहता हूँ, छोटा सा निवेदन करता हूँ, दो निवेदन करता हूँ। कौन कौन सा? पहला निवेदन करता हूँ दोस्तों, अगर किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है तो उसको पूरा देख लीजिए। क्या बुरा कहता हूँ? कुछ बुरा तो कहता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। मतलबी लोग होते हैं ऐसे लोग, स्वार्थी लोग होते हैं, ठीक है, जो फॉरवर्ड करते हैं स्वार्थी लोग होते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उनका स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा हो रहा है तो वीडियो देख रहे हैं, स्वार्थ खत्म हो गया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारी बातों को सुन रहे होंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आभारी, ठीक है। और ये सब जो काम मैं करता हूँ वो अपने मन से खुशी के लिए करता हूँ, और आपसे भी कहता हूँ अगर आपको खुशी हो तब आप जो है एडवर्टीजमेंट को देखें, तो मत देखिए भैया, एहसान करने के लिए मत देखिए, ठीक है, एहसान किसी मत करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर,
तोसा मारू प्रकरण। आइए तोसा मारू पर बात करते हैं। ये मामला भी दोस्तों 1914 का ही था, ठीक है। तोसा मारू प्रकरण में क्या होता है, आपने सुना होगा गदर आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो ये जो गदर आंदोलन में शामिल लोग थे, इन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग स्वदेश चलेंगे। कहाँ चलेंगे? स्वदेश। स्वदेश मतलब हम लोग अपने देश, स्वदेश अपने देश चलेंगे और वहां पर जाकर के अपने संगठन को मजबूत करके क्या करेंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, यहां से एक जहाज बुक किया। ये भी जहाज का नाम था, तोसा मारू भी क्या था, एक जहाज का नाम था। ये तोसा मारू जहाज को बुक किया इन्होंने और निकल पड़े कहां का, कहां के लिए, स्वदेश आने के लिए। और यहां आकर करेंगे क्या, एक क्रांति का बिगुल बजाएंगे। क्या करेंगे? क्रांति का बिगुल बजाएंगे दोस्तों। एक बात, दूसरी बात, जब ये जहाज यहां से चली ना, तो रास्ते में सिंगापुर स्टॉपेज था इसका। ये जहाज सिंगापुर में रुक गई। अच्छा, इस जहाज में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, ठीक है। एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था भाई परमानंद, बस मस्त आदमी, ठीक है। भाई परमानंद ने इतना गजब का भाषण दिया, इतना गजब का भाषण दिया कि जहाज में जितने लोग थे, ठीक है, वो सारे लोग रम गए। भारत के लिए वीर गति पर, मतलब वीर गति पाने के लिए, शहीद होने के लिए ना रम गए कि हमको किसी न किसी तरीके से अपने देश को आज़ाद करा देना है। और ये सपोर्ट, ये इतना बड़ा काम किया किसने, भाई परमानंद ने, ठीक है। भाई परमानंद का नाम याद रखेगा, भाई परमानंद ने इतना गजब का भाषण दिया। ये भाषण इतना गजब था दोस्तों कि तुरंत अपना इसने अपना रिएक्शन दिखा दिया। भाई परमानंद के भाषण देने के बाद ही, ठीक है, सिंगापुर लाइन इन्फेंट्री, यहाँ पे नोट करिएगा, सिंगापुर लाइन इन्फेंट्री के जवानों ने, लाइन इन्फेंट्री, इन्फेंट्री लाइन इन्फेंट्री के जवानों ने क्या किया, दो स्पेशल लोगों की नेतृत्व में, दो लोगों के नेतृत्व में, दोस्तों दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर होता है कि भाषण देने के बाद चार्ज हो गए। चार्ज होने के बाद दो लोग थे, एक का नाम था डुंडे खां और एक का नाम था चिश्ती खां। डुंडे खां, चिश्ती खां, डुंडे खां, चिश्ती खां, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डुंडे खां और चिश्ती खां के नेतृत्व में, चिश्ती हाँ के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, तुरंत एक तत्काल विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विद्रोह किया, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश सैनिकों का जो अड्डा था सिंगापुर में, ठीक है, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। तुरंत विद्रोह करके तुरंत उन लोगों का झंडा उतार करके अपना झंडा तिरंगा उठा के फहरा दिया। गजब का काम किया। और इसके बाद क्या, इसके बाद अंग्रेजों को पता चलेगा तो रोक देंगे इन लोगों को, रोकेंगे, जाहिर सी बात है, रोक दिया अंग्रेजों ने। धीरे धीरे करके इस नेतृत्व को भी दबा दिया गया। कुल मिला जुला कर बस इतना सा मामला था। क्यों ये इसीलिए आ जाता है सामने तोसा मारू प्रकरण, क्योंकि यहाँ पर क्या किया कि लाइन इन्फेंट्री के जवानों ने डुंडे खां और चिश्ती खां के नेतृत्व में आकर के एक सशस्त्र विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह के दौरान भारतीय तिरंगे को फहराया गया पहली बार, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय तिरंगे को कहां पर, सिंगापुर में फहराया गया, इसलिए तोसा मारू प्रकरण याद किया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिल्क पेपर मामला क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको जानना है सिल्क पेपर मामले के बारे में, तो आपको इसके पीछे की कहानी पता होना चाहिए, ठीक है। सिल्क पेपर मामला जुड़ा है हिजरत आंदोलन के नेताओं से। किससे? हिजरत आंदोलन, नाम सुना है कभी? हिजरत आंदोलन, यह हिजरत आंदोलन के नेताओं से जुड़ा हुआ है। नहीं सुना तो कैसे सुना होगा, क्योंकि यह भारत में हो नहीं रहा था, भारत से बाहर हो रहा था। अफगानिस्तान का नाम सुना होगा, ठीक है, वहां पर हिजरत आंदोलन चल रहा था। और तुर्किस्तान का नाम सुना होगा, तुर्किस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान, इन दो जगहों पर क्या आंदोलन चल रहा था, हिजरत आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और इसी हिजरत आंदोलन ने कसम खाया था कि हम किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, भारत को आज़ादी दिलाएंगे। और इसीलिए इस अफगानिस्तान में और तुर्किस्तान में एक सेना का गठन किया गया जिसका नाम था खुदाई सेना। कौन सी सेना? खुदाई सेना, ठीक है, खुदाई सेना, जो किसके लिए बनाई गई थी, जो खोदने के लिए बनाई थी, अंग्रेजों की सरकार को खोदने के लिए, मतलब उनको मारने के लिए, उनको भारत से भगाने के लिए एक खुदाई सेना बनाई गई थी। तो ब्रिटिश शासन को किस तरह से उखाड़ फेंका जाए, इसके लिए गुप्त योजना भी तैयार किया जाता है। और उस गुप्त योजना का जो मास्टर माइंड था, उनका नाम आपको याद रखना है, जो उस गुप्त योजना का मास्टर माइंड था, वो उनका नाम याद रखना, उन्हीं ने तैयार किया था एक सिल्क पेपर, ठीक है, पीला सिल्क पेपर तैयार किया था। और इनके मास्टर माइंड का नाम था उबैदुल्ला सिंधी, मौलवी, मौलवी उबैदुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, सिंधी, ठीक है, सिंधी, सिंध से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक पीले सिल्क पेपर पर, एक पीले सिल्क
पेपर पर एक गुप्त सूचना भेजा किसको, ठीक है, गुप्त सूचना को आगे बढ़ाया इस हिजरत आंदोलन में शामिल जो लोग थे। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों महमूद हसन का, किसका नाम आता है महमूद हसन का, ठीक है। महमूद हसन को फारसी भाषा में लिखकर भेजा था, ठीक है, फारसी भाषा में लिख करके गुप्त योजना भेजा किसको, महमूद हसन को, महमूद हसन को, ठीक है। लेकिन रास्ते में यह चिट्ठी जो है अंग्रेजों के हाथों में आ गई, जिसके वजह से इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि यह किस पे लिखा गया था, सिल्क पेपर पर, इसीलिए इस मामले को दर्ज कर लिया गया सिल्क पेपर षड्यंत्र मामला। कौन सा, सिल्क पेपर षड्यंत्र मामला, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कुल मिला जुला करके दोस्तों बहुत सारे आंदोलन हुए, आपने देखा कि किस तरह से भारत के बाहर रह करके भी, भारत के अंदर भी रह करके तमाम भारतीय नौकरों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन फाइनली प्रथम विश्व युद्ध के आते आते तक में अंग्रेजों ने उन सारे आंदोलन को दबा दिया, सभी आंदोलन को। आपने देखा कितने बड़े बड़े लोग आए, खुदीराम बोस जैसे लोग आए, राज बिहारी बोस जैसे लोग आए, बी डी सावरकर जैसे लोग आए, ठीक है, लाला हरदयाल जैसे लोग हुए, सोहन सिंह भाकना जैसे लोग हुए, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लोग, मैडम भीकाजी कामा, कितने सारे लोगों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, द्वारिकानाथ दास, ठीक है, तारकनाथ, ठीक है, जी डी कुमार, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा, श्याम जी कृष्ण वर्मा उधर बैठे थे, मतलब सब लोगों ने, चाहे कोई विदेश में लगा है, चाहे कोई अपने देश में लगा है, ठीक है, हर तरीके से लोगों ने अंग्रेजों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब कोई नहीं हो पाया, फाइनली कामयाब नहीं हो पाया। तो एक स्वतंत्रता का आंदोलन जो हम पढ़ते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 में, तो मैं भी मान सकते हैं कि भारत का द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम यह 1905 से लेकर 1914 के दौर में चल रहा था, ठीक है। इसको निश्चित ही कहा जाता है कि भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों, जिस तरह से वहां पर लोगों ने अपने खून को बहा करके, अपने आप को शहीद करके अपने देश को आजाद कराना चाहा, उसी तरीके से आपने देखा होगा 1905 में, ठीक है, 18 वर्ष के बच्चों को फांसी दे दिया गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए, और हम क्या करते हैं इतिहास में ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा समय नहीं निकालते हैं। कल मैंने गदर आंदोलन पढ़ाया और देखा कि आज उसका वीडियो मतलब सबसे निम्न कोटि के वीडियो में चल रहा है, मतलब सबसे मतलब मिनिमम स्तर पर चल रहा है, समझ में नहीं आया मुझे इसका मैटर क्या है। खैर आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को पढ़ना पढ़ो, हमारा काम है पढ़ाना और सारी चीजों को एक साथ पढ़ाना, ठीक है, तो हम करेंगे। हाँ, तो मिलाजुला कर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, इस पूरे आंदोलन को दबा दिया। दबाने के लिए दोस्तों अंग्रेजों ने कई सारे अधिनियम भी लाए थे, उस अधिनियमों के बारे में एक बार चर्चा करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो सबसे पहला अधिनियम था, पहली बात तो आपको याद रखना है 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ये सारे अधिनियम उसी के बाद लाए गए थे। तो 1907 में पहला अधिनियम आया था प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस, प्रिवेंशन ऑफ सेडियस, हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ अभी, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेडियस एक्ट, ठीक है, इसको याद रखेगा, प्रिवेंशन ऑफ सेडियस मीटिंग करिएगा यहाँ पर, सेडियस मीटिंग एक्ट, ठीक है, मीटिंग एक्ट, क्योंकि ये मीटिंग के लिए लाया गया था, और ये लाया गया था 1907 में, प्रिवेंशन ऑफ सेडियस मीटिंग एक्ट। एक्चुअली में मीटिंग एक्ट कहता क्या था, ये कहता था कि जिस तरह की राजद्रोही सभाएं किया जाता था किसके द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा, ये इस पर रोक लगाती थी। आपने देखा था कि किस तरह से बाल गंगाधर तिलक जब सभा कर रहे थे, अजीत सिंह जब सभा कर रहे थे, लाल लाजपत राय जब सभा कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो ये एक्ट चल रहा था प्रिवेंशन ऑफ सेडियस मीटिंग एक्ट, ठीक है, यानी राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख दीजिए, ठीक है, लिख ही दे रहा हूँ, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ठीक है, याद रखिए, चलिए इन्हीं को रोकने का प्रिवेंशन, यानी इनको रोकने का अधिनियम है जो आया था कब, 1907 में आया था। अगला वाला दूसरे पेन से लिख देता हूँ, आपको याद रहे। दूसरा था दोस्तों एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ठीक है, पदार्थ अधिनियम। ये कब आया था दोस्तों, ये आया था 1908 में। आपने देखा होगा किस तरह से बमबाजी किया जाता था, लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका गया, हालांकि वो तो बाद में फेंका गया, उसके पहले भी बमबाजी वाले कई सारे कारनामे देखने को मिले थे। तो अंग्रेजों ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को लागू किया और इसके माध्यम से इस पर एक कड़ी कार्यवाही भी किया। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजों ने तीसरा जो कानून बनाया था वो था भारतीय फौजदारी संशोधन अधिनियम, ठीक है, भारतीय फौजदारी संशोधन अधिनियम एक आया था, यहाँ पर संशोधन अधिनियम आया था
था, यह भी आपके 1908 में ही आया था, ठीक है। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने रोक टोक लगाया। 1910 में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम आया था दोस्तों, समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है, समाचार पत्र अधिनियम। आपने देखा होगा कि बंगाल में बहुत सारे समाचार पत्र, चाहे युगांतर रहा हो, चाहे वंदे मातरम रहा हो, चाहे आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो केसरी आता था, मराठा आता था, ये सारे रहे हो, तो इन सभी को अपने अंडर में लेने के लिए समाचार पत्र अधिनियम आया था, ठीक है, ताकि उन पर भी रोक लगाया जा सके। 1910 में आया था। तो इन सभी के माध्यम से दोस्तों, इन एक्टों के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे जितनी भी क्रांतियां हुई उनको क्या किया, पकड़ के जकड़ लिया, उन पे अपना नियंत्रण कर लिया। जो सबसे कुख्यात अधिनियम यहां पे है वो है भारतीय सुरक्षा नियम। कौन सा है, पांचवा नोट करेगा, भारतीय सुरक्षा नियम, भारतीय सुरक्षा नियम, भारतीय सुरक्षा नियम, ठीक है। ये आया था दोस्तों 1915 में, और इसके तहत क्या किया गया कि बिना किसी बात को शक के निगाह पर भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, और अंग्रेजों ने इस नियम का बड़ा फायदा उठाया, और इसी के द्वारा जो है कामागाटा मारू जहाज में जितने भी लोग बैठे थे, 376 लोग, उनको गिरफ्तार करने का जो आदेश आया था वो इससे आया था, ठीक है, भारतीय सुरक्षा नियम, यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के माध्यम से, ठीक है, ये जो अधिनियम आया था इसके माध्यम से उसमें बैठे हुए सभी यात्रियों को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था, ठीक है, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, चाहे वो क्रांतिकारी न रहे हो। कुल मिला जुलाकर बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फाइनली जब आपका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो समाप्त होने के बाद अंग्रेजी सरकार को लगता है कि क्रांतिकारियों के साथ लड़ाई करके हम भारत में लंबे समय तक राज नहीं कर सकते हैं। तो इसी के बाद अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनको जो है छोड़ने का आदेश दे दिया गया कि जो लोग भी गिरफ्तार किए गए लोग सब लोग छोड़ दिया जाए, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सबको छोड़ दिया गया। जब सबको छोड़ दिया गया तो जो क्रांतिकारी लोग थे वो थोड़े समय के लिए शांत हो गए, ठीक है, उनके अंदर थोड़ी सी सहानुभूति आई। इसके बाद जो है अंग्रेजी सरकार ने लेकर आया क्या, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, और उसमें हम प्रांतीय शासन को किस तरह से मजबूत बनाएं, प्रशासन को किस तरह से मजबूत बनाएं, इसके लिए काफी सारे ठोस कदम भी उठाए गए। तो उसके बाद एक क्रांतिकारी जो विचारधारा थी थोड़ी थोड़ी सिकुड़ने लगी, और यही वो दौर था दोस्तों जब महात्मा गांधी जी की एंट्री भी हो चुकी थी भारत में, और वो जो है धीरे धीरे वो आंदोलन में भी उतर रहे थे, चंपारण आंदोलन हो चुका था, ठीक है, तो उसके बाद असहयोग आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो ये कहानी थी, हालांकि बीच में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, इतनी सारी चीज कहानी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला करके महात्मा गांधी जी आ गए थे, और धीरे धीरे अब अहिंसा की बातें होने लगी थी, ठीक है, यानी अब क्रांति वाली बातें नहीं हो रही थी, अहिंसा की बातें हो रही थी, जितने भी लोग थे सब लोग अहिंसा के रास्ते पर चलने को तैयार हो गए थे, चाहे वो आपके उदारवादी दल के नेता हो, चाहे वो आपके जो है गर्म दल के रहे हो नेता, चाहे जो कोई भी रहा हो, चाहे वो क्रांतिकारी क्यों ना रहे हो, ठीक है, सभी लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी बदल चुकी थी, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम करके थक चुके थे। उदारवादी जो लोग थे वो अपने हिसाब से अंग्रेजों को डील करने में लगे, तो वो भी समझ चुके थे कि क्या कुछ हो सकता है। जो गरम दल के नेता थे, चाहे वो लाल लाजपत राय रहे हो, चाहे वो अरविंद घोष रहे हो, चाहे वो बिपिन चंद पाल रहे हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक रहे हो, इनको भी समझ में आ गया था कि अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़नी है। और जितने भी क्रांतिकारी लोग थे इस समय तक, बीडी सावरकर वगैरह जिंदा थे, इन लोगों को भी पता चल गया था कि किस तरह से हमें आजादी मिलेगी और हमें क्या करना चाहिए। फाइनली अब जब गांधी जी आ गए थे, तो गांधी जी के ऊपर भरोसा करके उनके ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया, पूरे देश ने अपना भरोसा जताया, और गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग बताया उस पर चल करके लोगों ने क्या किया कि आजादी को जीतने का प्रयास किया, क्योंकि सब लोगों ने अपनी वाली करके हार चुके थे, तो इसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो आगे की कहानी हम लोग दोस्तों आगे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे कौन कौन सी कहानियां आती है हमारे सामने, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीधे पहुंचेंगे कहां पर, हम लोगों को पढ़ना है भाई एनी बेसेंट जी के बारे में और बाल गंगाधर तिलक के बारे में। हम लोग को पढ़ना है कि ये जो आपका एनी बेसेंट का जीवन कैसे चला आगे, या उन्होंने कैसे काम किया भारत में आकर के, ठीक है, वो सारा चीज़ देखेंगे। और फिर देखेंगे गरम दल नरम दल जो बट चुका था, अब उसके मिलन का समय आ गया है। मुस्लिम लीग जो हमसे अलग हो चुका था, ठीक है, जो हमें अपना दोषी मानता था, उसके भी मिलन का समय आ गया है, ठीक है। और गृह शासन अधिनियम जो है, होम रूल एसोसिएशन की स्थापना होगी और किस तरह से वो अपना काम करेगा, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद, और प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर हैं, ऐसे कह सकते हैं, यूट्यूब पर। खैर कंपटीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, सब लोग शिक्षा देने में लगे, बढ़िया है, हमारा अपना तरीका है, सबका अपना तरीका है। लेकिन आप भी देखिए कि अगर अच्छा पढ़ा रहे नितिन सर तो आपको जो है प्रमोशन करने का एक वो मिलता है, तो प्लीज़ आप करिए अगर आपको लगता है तो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।